thank you for calling me here again for same subject, Aum and Hasta Mudra. Actually, it's a yoga subject, definitely, but how to do it? It is very easy subject. अगर हिंदी में बोलूंगी तो आपको चलेगा सबको. सो अब हम हिंदी में बात करेंगे कि ओम चैंटिंग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होगा और उसके बाद व्हाट इज हस्त मुद्रा ये भी हम लोग सीखेंगे. ओम ये ब्रह्मांड का पहला शब्द, पहला ध्वनि, पहला नाद, पहला उच्चार है. ये एक मूलभूत बीज मंत्र है. सभी मंत्रों का राजा ही ओम है. ज्ञानेश्वर जी ने ओंकार का महत्व पूरे दुनिया में अपने 17वें अध्याय में दिया हुआ है. ओंकार में 3.5 मात्रा होती है. लेकिन ओम की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रकाश और वेग, इनके घर्षण से इस दुनिया की निर्मिति हुई. इस वक्त जो नाद निर्माण हुआ वो नाद है ओम नाद. उस क्षण से आज तक वो नाद पूरे दुनिया में घूम रहा है. कोई भी इंसान वो नाद अपनी प्रैक्टिस करके सुन सकता है. इसके लिए अपने शरीर की तैयारी चाहिए. शरीर का स्वामी है मन, मन का स्वामी है हृदय, हृदय का स्वामी है लय, लय का स्वामी है नाद और नाद का स्वामी है ओम. तो इस प्रकार ओम साधना करने के बाद ही आप अनुभूति पा सकते हो. नेचुरल है, योगा ये अनुभूति का साइंस है. हमने सीखा, हमने छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं. बट रेगुलर हमने किया तो फायदा 100% है. इसमें नो साइड इफेक्ट, कोई भी गुंजाइश नहीं है साइड इफेक्ट की. लेकिन ओम प्रैक्टिकली कैसे बोलना चाहिए और उसके फायदे हर एक मात्रा के शरीर के ऊपर कैसे होते हैं, हम पहले देखेंगे. दिस इज ओम. अब इसमें मैं 3.5 मात्रा बता रही हूं. दिस इज अ, दिस इज उ, दिस इज म एंड ये आधी मात्रा है. अब ये मात्रा कैसे बोलनी इसका भी एक साइंटिफिक अभ्यास है. सबसे पहले देखिए कि अकार मात्रा मीन्स ओ, अपने नाभि से पैर तक का शरीर का हिस्सा उसे अकार मात्रा बोला जाता है. ये है उकार मात्रा, अपने नाभि से हृदय तक का हिस्सा उकार मात्रा. अब ये है मकार मात्रा, अपने हृदय से मस्तक तक ये मात्रा जाती है और इस प्रकार से अपने पूरे शरीर में ओंकार साधना समाई हुई है. प्रैक्टिकल करने के बाद अनुभूति पा सकते हो. अब फायदा क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें ओम बोलने के लिए दीर्घ श्वसन सीखना पड़ता है. धीमी धीमी सांस लेना एक्स्ट्रा, ये सांस लेने के बाद अपने शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है. सांस हमें नाभि तक लेनी है. नाभि तक लेके अ का उच्चारण होता है, फिर हृदय से उ का उच्चार होता है और ब्रेन से म का उच्चार होता है. जब हम अकार मात्रा बोलते हैं तब अपने नाभि के आसपास के जो भी अवयव है वो कार्यरत होते हैं और एसिडिटी, पेट के प्रॉब्लम, महिलाओं के प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं. अनेक महिलाओं ने अनुभूति ली है. आपके मालूमात के लिए ये मेरा स्पीच 2500 नंबर का है. तो इस प्रकार से अकार मात्रा के फायदे अनेक महिलाओं ने लिए हैं. कैसे फायदा हो सकता है? अब ये उकार मात्रा जो है ये हृदय से बोली जाती है. अब मैं बोलूंगी कि अगर आपने रेगुलर
ओम साधना की तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा. आई एम नॉट डॉक्टर बट योगा इज डेफिनेटली डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर. क्योंकि उकार मात्रा हृदय से बोली जाती है. जब हम दीर्घ मात्रा में सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने हृदय के हरेक हिस्से को मिलती है और जब उकार मात्रा का उच्चारण होता है तो ब्लड सर्कुलेशन सर से पैर तक बहुत अच्छे से होता है. इसलिए आप हार्ट अटैक मींस क्या? ब्लॉकेज. हार्ट अटैक किसकी वजह से आता है? तो हार्ट्स में ब्लॉक्स हो जाते हैं, फिर सांस लेने की तकलीफ और हमें हार्ट अटैक आता है. इसकी दवा क्या, क्या मेडिसिन क्या? बाईपास सर्जरी. जो ब्लॉक है वो तो निकाल नहीं सकते लेकिन वेन दूसरी डाल के बाईपास सर्जरी करते हैं, वापस सांस लेना शुरू हो जाता है. लेकिन जो इंसान ओम साधना करता है उनको ये प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति होने की वजह से अपना ब्लड सर्कुलेशन हृदय का बहुत अच्छे ढंग से होता है. यहाँ बीपी ये बीमारी भी कंट्रोल में रहती है. एक बार आपको बीपी हो गया तो आप दवा तो लेनी ही पड़ती है बट वो शूटअप ना हो. इसके लिए ओमकार ओम का जो उकार मात्रा है वो फायदेमंद साबित होती है. तो अब ये मकार मात्रा जो है इसके लिए मैंने आज और एक चार्ट लाया है. ये वो चार्ट है. अब देखिए मकार मात्रा उकार मात्रा और मकार अकार मात्रा मुंह से बोली जाती है बट मकार मात्रा मुंह बंद करके नाक से बाहर निकलती है. अब जब वो मकार मात्रा का उच्चारण होता है तब अपने ब्रेन के आसपास में ये जो लाइंस दिखाई है मैंने वहां वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं. इसकी वजह से अपना ब्रेन चार्ज होता है और इस कारण हम स्मरण शक्ति अपनी बढ़ती है, डर किसी चीज का हो तो कम होता है और स्ट्रेंथ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि जो मनुष्य प्राणी को आवश्यक है. ये सिंपल टेक्निक है. अभी आपने एकाध दूसरा एक्सीडेंट देखा होगा लेकिन वो इंसान को कुछ भी नहीं हुआ है बट वो इंसान ऑन द स्पॉट गुजर चुका है. हाउ? तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहां मैंने बताइए ये जो ग्लैंड है इसको अगर जोर से धक्का लगे तो आदमी ऑन द स्पॉट जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस पावर तैयार करने का शरीर का ये यंत्र है. अब ये कार्यरत कब रहता है? सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ये जो ग्रंथि है वो कार्य करती है. अदरवाइज 21 घंटा ये ग्रंथि सोई हुई रहती है. बट जब ओंकार साधना आप करते हो तो उसको वाइब्रेशंस मिलते हैं और वो थोड़ी देर के लिए जग सकती है. इतना स्ट्रेंथ ओम में है. तो अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपने 10th और 12th के बच्चों के एग्जाम चल भी रही है लेकिन सब लोग बोलते हैं, आपने भी आपके घर में बोला होगा, जल्दी उठो पढ़ाई करो. वाय? तो 3 to 6 पिट्यूटरी ग्लैंड कार्यरत होती है तब की हुई कोई भी चीज अच्छे से ध्यान में रहती है. इसलिए हमें जल्दी उठना जरूरी है इंसान को. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड और जो बच्चे हैं, स्पेसिफिक मैं बोल रही हूं कि 10th 12th और आगे की पढ़ाई, इसके लिए अगर पढ़ाई के पहले आप ओमकार साधना करो काफी फायदेमंद होती है. हाउ? अपना मन बहुत चंचल है ये तो आप सब जानते हैं और बच्चों का मन कैसा होता है ये तो और भी चंचल होता है. पढ़ाई तो करनी है ही है तो पढ़ाई के पहले मन शांत हो, कंसंट्रेशन जो करना है उसके ऊपर हो, इसके लिए हमें ओम साधना करनी है. एक उदाहरण देना चाहूंगी. परेल की एक स्कूल है वहां का एक बच्चा 8th स्टैंडर्ड में था तब ओमकार साधना सीखा कैसे करना चाहिए और उसने प्रैक्टिकल किया
रेगुलर. एक है कि आपने 8 दिन किया, 10 दिन किया, नो, यू हैव टू चैंट एवरी डे 11 टाइम्स ओम, तो ही फायदा मिलता है. अगर आपने 2 महीने बोले, 3 महीने बोले, नो, एवरी डे जैसे आप खाना खाते हो, रोज खाते हो, वैसे आपको इसकी उपासना रोज करनी चाहिए, रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए. 11 ओम बोलने के लिए लगते 3 मिनट. इट इज नॉट वेरी वेरी इजी टू डू इट. तो वो बच्चे ने पढ़ाई के पहले 11 ओम किए. उसका प्रॉब्लम ये था, वो पढ़ाई के लिए 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता था. उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई थी कि हमारा बच्चा 8 स्टैंडर्ड में गया लेकिन पढ़ाई के लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता, तो हम क्या करें. लेकिन कुछ नहीं, उनको पढ़ाई के पहले ओम बोलना सिखाओ. ऐसे ही लेक्चर था, वो बच्चा भी आया था, वो सीखा, उसने ट्रायल शुरू किया, 3 मिनट करना है, चलो कर लेते हैं. मैंने वो बच्चे को बोला था 1 महीने के बाद फोन करना, लेकिन 15 दिन के बाद ही फोन आ गया कि आंटी मैं आधा घंटा पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूँ, और आफ्टर 10th एग्जाम ही हैज रिटर्न मी अ लेटर. उसके मार्क्स, उसको कितने मिले, उसको मार्क्स मिलते थे 58%. और उसकी मम्मी को मालूम था कि मेरा बच्चा तेज है, अच्छे गुण ला सकता है, तो इसके लिए उसकी मम्मी ये क्लास में लेके आई थी. और 10th में वो बच्चे ने 92% मार्क्स लिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए वो बच्चा दो दो ढाई ढाई घंटा बैठ सकता था. चमत्कार नहीं है? आप पढ़ाई करोगे ही नहीं तो गुण कहां से आएंगे. लेकिन पढ़ाई के लिए बैठने की जो शक्ति है वो ओम से जरूर मिलती है. इसमें पढ़ाई नहीं, कोई भी चीज हो. अभी जस्ट मैं एंटर किया और नीचे मैडम बोली कि आपकी सीढ़ी मैं करती सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा होता है. ये जस्ट 1.5 महीने पहले मैं इधर आके गई थी और उन्होंने सीढ़ी ली, और ये 1.5 महीने का अनुभव है. अनुभूति 100% मिलती है. अनुभूति लेना आपके हाथ में है कि कैसे अनुभूति ली जाए. तो इस प्रकार से और 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगी. आज मैं अंबरनाथ में रहती हूँ, वहां मेरा एवरी संडे क्लास चलता है 7 to 8:30. एक मनोरुग्ण लड़का उसकी मम्मी लेके आई थी, तो ही वॉज रियली, मतलब आया तो भी ऐसे ऐसे चल के कि जैसे उसको कुछ समझ नहीं रहा है, और पढ़ाई खत्म हो चुकी थी उसकी. 11 साल का लड़का था और उसको 2nd स्टैंडर्ड से स्कूल में आना बंद कर दिया था क्योंकि वो लिखता नहीं था. जो अपने ब्रेन में लिखो, जैसे अभी मैंने लिखा तो मुझे सोचा ना कि लिखना चाहिए, हाथ मेरे चले, उसके हाथ ही नहीं चलते थे, दिमाग काम नहीं करता था. लेकिन हमने प्रयोग यही किया कि 51 टाइम्स ओम साधना और योग निद्रा उसके साथ साथ, ये वो बच्चे से करवाई. और उसके मम्मी को बोला गया ये कोई चमत्कार नहीं है, ट्रायल हम कर रहे हैं, लेकिन आपको मिनिमम 2 साल ये क्लास अटेंड कर कंपल्सरी करना पड़ेगा, तो ही आपको रिजल्ट्स थोड़ा बहुत मिल सकता है. क्योंकि ये जो साइंस है योग शास्त्र, इमीडिएट तुमको दवा नहीं, दवा लेके जैसे हम लोग सर दुख रहा है ठीक हो गए दवा ली, ऐसा ये साइंस नहीं है. बट अगर आप सर के लिए दवा ले रहे हो, ये दवा ले रहे हो, ओम को मैं दवा बोलती हूँ, अगर दवा ले रहे हो और रेगुलर ले रहे हो तो आगे जाके आपका हेडेक होगा ही नहीं, इस प्रकार की ये दवा है. वो लड़के ने ये प्रयोग किया क्योंकि उसको करना पड़ा कान के द्वारा, मुंह से कुछ नहीं किया उसने. 3-4 महीने एक भी ओमकार बोला नहीं, बट एवरी संडे आता था एंड माय असिस्टेंट उनके घर में जाके ओमकार सुनाती थी. ये हमने प्रयोग किया. फिर एक दिन वो क्लास में आते ही बोला मैं आज ओम बोलू क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा, सम चेंज लियस. और उसने 51 टाइम्स ओमकार का चैंटिंग किया. और फर्स्ट डे उसकी मम्मी ने बोला था वो लिखता नहीं है, तो मैंने उसको माँ वर्ड दिया था. 8 दिन के बाद जितना भी माँ के ऊपर लिख सकता है लिख के लाना. 2 लाइन लिखे थे 8 दिन में, मतलब वो लिख नहीं सकता ये तो पक्का हो चुका था. बट